तो इंजन काउल की प्राइस क्या है? इंजन काउल ये रहा, मैट ब्लैक में ये रहेगा। अगर गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको पेंट करवाना है वो आप लोग करवा सकते हो। तो आज अवेलेबल हो चुकी है हीरो एक्सट्रीम 125R विथ एसेसरीज, इंजन काउल, सीट कवर है जो कि कंपनी से ही इंस्टॉल्ड इस बाइक में ऑलरेडी हो चुका है, प्लस साड़ी गार्ड और फुटरेस्ट जो रहता है ना उसकी भी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोगों की तरफ से ही ना ये वाली डिमांड थी कि एक इंजन काउल के साथ एक्सट्रीम 125R का वीडियो लेकर के आओ और उसकी प्राइसिंग भी हमें चाहिए। तो ये रहा इंजन काउल, इसकी प्राइसिंग आप लोगों को आगे चल के वीडियो में मिल जाएगी। और ये रहा अपना सीट कवर, एक्स्ट्रा कंफर्ट वाला इसको कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशनिंग वाला, हीरो ओरिजिनल, यानी कि कंपनी से ही आप लोग ये वाली चीज़ें दोनों ही परचेज़ कर सकते हो। इंजन काउल ये रहा और काफ़ी अच्छा लुक ना इंजन काउल के साथ इस पर्टिकुलर बाइक का आने वाला है। सो आज के वीडियो में इन डिटेल अपन लोग बात करेंगे। एक्सट्रीम 125R काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है फर्स्ट इन सेगमेंट, या फिर कह सकते हैं 125cc सेगमेंट में किसी भी बाइक में अभी तक के लिए क्या अवेलेबल नहीं हुआ है वो है ये चीज़ है। सो भैया यहाँ पे हीरो ने अवेलेबल आपको करवा रखा है ABS भी, जो कि ABS का यूज़ ना सेफ्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मेजर कंसर्न आपका सेफ्टी है ना तो भैया ये बाइक आप लोग नहीं छोड़ सकते। राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है। स्पोर्टी लुक है, माइलेज काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, कलर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा एक सेटअप भी यहाँ पे मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ग्रे सिल्वर और एक थोड़ा सा ऑरेंजिश टोन यहाँ पे है, ब्लू सिल्वर और ग्रे कलर रहता है और एक रहता है ऑल ब्लैक, तीन कलर ऑप्शन रहते हैं और टोटल दो वेरियंट में गाड़ी अवेलेबल रहती है। ये है अपना टॉप ABS वाला और एक रहता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, वो भी काफ़ी अच्छा है। डिस्क वहाँ भी आपको फ्रंट में ही मिलेगा, डिस्क टॉप वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में ही मिलेगा विद ABS यहाँ पे आ जाता है और IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट में। इस टाइप से दो वेरिएंट, तीन कलर ऑप्शन, ये हो जाती है आपकी वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल। अब बात करते हैं प्राइसिंग की वीडियो के स्टार्ट में ही, ताकि वीडियो को आप लोग ज़्यादा रिलेट कर सकोगे। सो टॉप वेरिएंट ऑन रोड जयपुर ये आपको कॉस्ट करने वाला है विदाउट एसेसरीज। ऑन रोड जयपुर की प्राइसिंग रहेगी 120,000, 1.20 के लगभग अराउंड कॉस्ट करती है एक्सट्रीम 125R। अब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ये हो जाती है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। वो सब चीज़ें देख लेते हैं क्या कुछ गाड़ी ऑफर आपको करती है। की का सेटअप कुछ इस टाइप से है, ये एक जेल वाला लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, इस टाइप से हीरो का लोगो और हीरो की प्रॉपर मार्किंग पैटर्न रेगुलर ही है। इग्निशन रेगुलर जगह पे इग्निशन को ऑन करते हैं तो इग्निशन के साथ ये वाला पार्ट आपका ऑन रहेगा। अब इसको LED DRL भी कह सकते हैं या फिर एक लाइट का ही पार्ट भी कह सकते हैं। तो ये वाइट बल्ब के साथ आपको फ्रंट हेड पे सेटअप मिलेगा, हीरो की मार्किंग आ जाती है, क्रोम वाला नंबर प्लेट होल्डर है, बॉडी कलर के अकॉर्डिंग ही आपका फ्रंट हेड रहेगा ब्लू में, ये चीज़ ब्लू हो जाएगी। ऑल ब्लैक में गाड़ी कंप्लीट आपको ओवरऑल ब्लैक ही सेटअप मिलेगा। लाइटिंग सेटअप ओवरऑल LED है, LED में ही इंडिकेटर सेटअप भी है विथ हजार्ड, तो इस टाइप से कुछ ये आपका इंडिकेटर का लुक है। हजार्ड भी ऑन कर लेते हैं तो हजार्ड के साथ ये रहा बनता अपना लुक। हेडलैम्प ऑन करके देखेंगे वीडियो में आगे चल के एग्जॉस्ट नोट के साथ। सस्पेंशन की बात करते हो 37mm का बेस्ट इन सेगमेंट ये भी है, 37mm का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। ट्रेवल काफ़ी अच्छा है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, फ्रंट मेट गार्ड है, ड्यूल टोन, बॉडी कलर मैट ब्लैक, ABS का एक स्टिकर यहाँ पे मिल जाएगा ABS वाले वेरिएंट में। ब्रेकिंग पे यहाँ पे कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं रहेगा। अभी ऊपर अपन लोग देख लेते हैं वहाँ पे मिल सकता है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग की बात करते हैं तो ये है अपना 90 सेक्शन या टायर है अपना C8 का, तो ये चीज़ आपका लॉट टू लॉट चेंज हो सकती है। फ्रंट इसका साइज है 276mm, भैया कॉम्पिटिशन्स में 240mm के अराउंड ही रहता है, 240mm रहता है आपका कॉम्पिटिशन्स में, यहाँ पे है 276mm का ABS के साथ नेक्स्ट लेवल। काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पे ना इस गाड़ी के साथ मिल जाएगी। सो ये अपना टायर वाला सेटअप बिडन, इंजन काउल कुछ इस टाइप से ही विजिबल रहेगा यहाँ से। कैटलेटिक कन्वर्टर पे भी एक मेटल वाला गार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेग गार्ड गाड़ी के साथ अवेलेबल ये चीज़ भी रहती है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी इसकी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। मड गार्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है जिसके साथ फ्रंट लुक इनहेंस हो जाता है और टायर का पैटर्न ये रहा, इस टाइप से कुछ आपका बनेगा फ्रंट ओवरऑल लुक। ये आपका क्लच लीवर पर रबर कवरिंग भी मिल जाती है और ब्रेकिंग की मार्किंग भी यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। बाइबरी की ब्रेकिंग यहाँ पे मिलती है 276mm डिस्क, उसके साथ साथ ABS प्लस बाइबरी की ब्रेकिंग, क्या ही चाहिए। बार एंड ये रहा इस टाइप से कुछ, थ्रॉटल, ब्रेक लीवर, रियर व्यू मिरर कुछ अपना इस टाइप से रहेगा। प्लस एक्सट्रीम सीरीज़ की बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही है एक्सट्रीम 160R 4V अवेलेबल ये रहता ही है, जो कि अभी नया अपडेट के साथ गाड़ी आ चुकी है 4V और 2V दो वेरिएंट्स में। साइड प्रोफाइल गाड़ी का कवर करते हैं तो इंजन काउल के बाद भी यहाँ पे आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है
180 mm का, 180 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। सिल्वर वाला पार्ट, ये स्टिकरिंग, कुछ छोटे छोटे पार्ट देखने को मिलेंगे, हीरो की मार्किंग, एक्सट्रीम की प्रॉपर मार्किंग आपको फ्यूल टैंक पर मिलेगी। फाइबर में फ्यूल टैंक है, अंदर जो फ्यूल टैंक है प्रॉपर वो आपको मेटल में ही मिलेगा, ये कवरिंग फाइबर में ही रहती है। यहाँ पर आ जाता है आपका फ्यूल कैप की होल पे कवरिंग के साथ, एक वार्निंग स्टिकर है, एक आपका स्कैनर है E20 का, आपको कोड का स्टिकर भी मिल जाता है। प्लस फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये है अपना टोटल 10 लीटर का, 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और गाड़ी पे बैठने के बाद फ्यूल टैंक की वजह से भी ना आपका जो एक ओवरव्यू बनेगा, राइडर POV बनेगा ना, वो काफ़ी एक आपको थोड़ा सा बिग बाइक वाला फील प्रॉपर देता है। सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट यहाँ पे टोटल अपने को मिल जाती है लगभग 794 mm का, 795-795 mm के राउंड अराउंड सीट हाइट रहेगा। ये यहाँ पे सीट कवर इंस्टॉल्ड है, एक्सट्रीम 125R की भी मार्किंग है, स्प्लिट में सीट ये मिल जाती है। एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए भैया प्रॉपर आप लोग ये लगवा सकते हो, इसकी प्राइस है 650 रुपये, 650 रुपीज़ के अराउंड ये आपको कॉस्ट करेगा, ये आप लोग लगवा सकते हो। काफ़ी अच्छा ये सेटअप है पाइपिंग वाला, स्प्लिट में ग्रेव रेल है, स्प्लिट में ही सीट है, हीरो की मार्किंग, रियर लुक कुछ इस टाइप से है। ये हमारा माइक ना इसी के साथ रहना चाहता है, सो रियर लुक कुछ इस टाइप से है। टेल टाइडी भी काफ़ी एक कॉम्पैक्ट है और यहाँ जाती है हीरो की मार्किंग। नंबर प्लेट वाला बल्ब ये आपका हेलोजन में है, सो ये हेलोजन में है। बाकी ओवरऑल LED लाइटिंग है। ये रहा आपका टेल लैंप कंप्लीट एक डार्क थी। टायर हगर भी मिल जाता है पीछे, जैसा कि आपको सेम ग्लैमर में भी मिलता है टायर का पैटर्न पीछे का। ये रहा अपोजिट साइड से एग्जॉस्ट भी देख लेंगे, पर ये आपका काफ़ी अलग चीज़ है जो मुझे काफ़ी फील होती है, एक व्हील कवर टाइप में यहाँ पे एक आपको साड़ी गाड़ी इसको कह सकते हो। ये रहा अपना एक प्रॉपर फुटरेस्ट वाला पार्ट जो कि गाड़ी के साथ ही आपको मिलेगा, इसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना, ये चीज़ ऑन रोड प्राइस में ही इंक्लूडेड रहने वाली है। टायर अगर रिमूव भी आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चेन का सेटअप ओपन वाला है, स्पोकर का साइज़ काफ़ी इनफ इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। रियर टायर की ग्रेडिंग देखते हैं ना तो ये भी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, 120-80-17, 120-80-17 ये आपकी ग्रेडिंग है पीछे वाले टायर की। ये भी साइज़ काफ़ी इनफ है, प्लस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही है। दोनों स्टैंड मिल जाते हैं, साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड। ये रहा आपका सिंगल हेड में गियर लीवर। इंजन का लेआउट अपोजिट साइड से भी देखेंगे, इस वाले साइड से कुछ इस टाइप से सिल्वर और ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, लेग गार्ड काउल पे 125R, ये प्रॉपर मार्किंग ना रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना हो ही चुका है डन, टोटल 10 लीटर। स्विच सेटअप देख लेते हैं तो क्लच का फील लाइटर साइड पे ही है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, कोई भी ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। यहाँ जाता है अपना पास वाला स्विच जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग है, हाई बीम लो बीम, हजार्ड का स्विच, इंडिकेटर और इस टाइप से ये हॉर्न भी यहाँ पे मिल जाता है आपका, सिंगल बदर वाला ही हैंडल बार है। ये रहा चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, USB टाइप। प्लस राइट साइड पर जाता है किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 एक स्विच यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। थ्रॉटल अपन लोग देख ही चुके हैं, अपोजिट साइड एक बार कवर करते हैं फिर आते हैं MID सेटअप पे। MID में देखते हैं क्या कुछ है, MID भी ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसका यहाँ पे अपने को मिल जाने वाला है। अपोजिट साइड से बेस्ट पार्ट किक, यहाँ पे किक भी मिलेगा भैया। और क्या कुछ चाहिए आपको, इंजन का लेआउट कुछ इस हिसाब से इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सो इंजन यहाँ पे अपने को मिल जाता है 124.7 cc का एयर कूल्ड, 11.3 BHP का पीक पावर है और 11 Nm का ही टोटल टॉर्क है। 5 गियर के साथ 5-speed गियर बॉक्स के साथ बाइक अवेलेबल रहती है। एग्जॉस्ट ये रहा, हीट शील्ड ये मेटल में है, ब्रेक लीवर ये रहा, फुटपैक कुछ इस टाइप से है, पीछे वाले फुटपैक पे कोई भी रबर कवरिंग अवेलेबल यहाँ पे नहीं रहती। और ये रहा अपना इंजन काउल। अब बात करते हैं पहले इंजन काउल जो कि आपकी सबसे डिमांडेड है ना उसकी प्राइसिंग की। तो इंजन काउल की प्राइस क्या है, इंजन काउल ये रहा मैट ब्लैक में ये रहेगा। अगर गाड़ी के अकॉर्डिंग आपको पेंट करवाना है वो आप लोग करवा सकते हो आफ्टर मार्केट अच्छी जगह से। ये वाले जो बाहर वाले पैनल है ये आप लोग करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे रेड है तो रेड यहाँ पे हो जाएगा। इसकी प्राइस क्या है, इंजन काउल की प्राइस है भैया 1260 रुपये, 1260 रुपीज़ ये आपका प्राइस रहेगा इंजन काउल की, और 650 रुपये आपकी प्राइसिंग रहेगी सीट कवर की। अब देख लेते हैं MID में क्या कुछ आपको मिल जाता है स्टार्टअप के साथ। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, गियर इंडिकेटर भी है यहाँ बना, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर अभी शो हो रहा है, क्लॉक है, ये रहा फ्यूल गेज, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स आ रही हैं, साइड स्टैंड रिमाइंडर भी है, ऊपर है RPM मीटर भी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है इस कैटेगरी के लिए भी और अपर कैटेगरी के लिए भी। सो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। चेंजेस करने के लिए एक ये सेट वाला स्विच है और M वाला स्विच है, जिससे कि ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज भी मिलेगा और ऑडोमीटर। सो ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाने वाला है MID सेटअप में। देख लेते एक बार बाइक का एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी नेक्स्ट लेवल स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे रहता है, लाइट ऑन होने के साथ हेडलैम्प के साथ। ये आपका लुक है, ये आइस क्यूब वाला ना एक प्रोजेक्टर वाला ये सेटअप मिल जाता है, हाई बीम लो बीम वाला ये पूरा सेटअप है,
सो ये लो भाई, ये कंप्लीट सारा कुछ सेटअप आपका ऑन हो चुका है। थोड़ा सा रेव करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप है ना इस बाइक का, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज भैया इजीली आप लोग यहां से निकाल सकते हो, जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 60 से 65 है, इतना आ जाता है। और अगर आप लोग भी एक्सट्रीम 125 ओन करते हो तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना है कि आप लोग कितना माइलेज बाइक से निकाल पा रहे हो, या फिर अभी तक का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बाइक के साथ कैसा है। रियर सस्पेंशन अपना रह गया तो एक बार रियर सस्पेंशन भी चेकआउट कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है शोवा का, मोनोशॉक है शोवा का 7-स्टेप एडजस्टमेंट के साथ। ये रहा, यहाँ से ये ज़्यादा विजिबल अपना रहेगा। टॉप स्पीड लगभग एक अराउंड 95-100-105 तक, 95 से 105 तक आप लोग यहाँ से कर सकते हो, बाकी उससे ऊपर जाती है। आपने अगर एसपी का एवरेज टेस्ट वाला वीडियो अपना नहीं देखा तो एक्सट्रीम लगभग एक ओनर की वो थी, ओनर की तरफ से एक कह सकते हैं कि अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, 120 के लगभग अराउंड 120 तक ये गाड़ी जाती है। तो कर देते हैं वीडियो एंड, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बता देना है। अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप ज़रूर से छोड़ के जाना है, एक लाइक ज़रूर से करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। अगर लो बजट में एक स्पोर्टी लुक के साथ कोई बाइक ढूंढ रहे हैं आपके दोस्तों में, आपके ग्रुप में, नून में से, तो उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली रात को 9 बजे अपने चैनल पर अवेलेबल रहते हैं। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों, कभी आपकी गाड़ियों का भी, टेक केयर, बाय बाय।